Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sayyad Walid Ali. Welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप लोग भी सब ठीक ठाक हों. और आज जैसे कि है हमारा प्लान, कहाँ जाएंगे बताते हैं कहाँ जाएंगे. और अभी जो मैं जा रहा हूँ, आज अपने बहन भनोई के साथ ही जा रहा हूँ, पूरी फैमिली साथ है. और साथ में एक और भी कोई है. मिलवाऊँ कौन है देखें. ओए, ये तो यश है यार. और आज एक और भी है हमारे साथ, वो मैं आपको थोड़ी देर में मिलवाऊंगा उससे, वो कौन है. चलें तो आप देखते हैं कि हम जा कर रहे हैं, साथ बने रहें, साथ रहें, देखें कहाँ जाता है भाई आपका, चेक करेगा. ठीक है. हाँ तो भाई आपका भाई आ गया है. और कहाँ है ये? आया हूँ मैं कॉस्को. क्या है कॉस्को? एक होलसेल मार्केट है जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर जो है, यहाँ पर ना सारा होलसेल रेट पे हर चीज़ मिलती है कॉस्को के अंदर. ग्रॉसरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एवरीथिंग जो आपको चाहिए हो. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जो है ऐसा होलसेल है तो कोई चीप चीज़ मिलेगी. नहीं, यहाँ पे हर के सारे ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं. जो आपको ब्रांड्स चाहिए होते हैं सारे ब्रांड्स मौजूद हैं यहाँ पे ना. और अच्छे पैसों में, मुनासिब, और पाकिस्तानी स्टाइल में बोलूँ तो वही सस्ता और टिकाऊ एकदम ना, उस तरीके से सारे ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं. हवा चल रही है, सर्दी भी है, लेकिन गर्मी की जैकेट इसलिए नहीं पहनी ज़्यादा कि लाइट सा पहना मुझे, क्योंकि गाड़ी में आए. बस थोड़ा सा यहाँ पे बाहर से वीडियो बना रहा हूँ और सीधा अंदर चल रहा हूँ. अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या ब्रांड्स कौन कौन से हैं, किस क्वालिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ यहाँ रखी हुई हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ. साथ में बने रहे, दिखाता हूँ भाई. ये एंट्रेंस है जो कि हम यहाँ से जा रहे हैं और वो कॉस्को होल सेल लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा. अभी यहाँ से एंट्रेंस है, हमने यहाँ से जाना है अंदर. आपको यहाँ से चल के पूरा एंट्रेंस दिखाता हूँ तभी जैसे वेट करें. ये आप लोगों के लिए दिखाने के लिए सर यहाँ से एंट्रेंस में आता हूँ. चलिए अंदर जाके दिखा दूंगा. ये देखें भाई, भागती हुई हमारी यशा मेहनत कर रही है. अरे एक मिनट मैं देता हूँ, खींचो. नहीं आ रहा, एक सेकेंड. हाँ ओके. बैठ जाओ भाई, यशा बैठने के लिए तैयार. चलो मैं बिठाता हूँ ये शर्ट. चाहिए भाई? ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह नाइकी के ट्राउजर्स रखे हुए हैं. और ऐसा नहीं है कि ये रेप्लिका तो यहाँ होता ही नहीं है, वो उस काम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ सब ओरिजिनल है एक नंबर. और दिस इज कॉस्को, यू नो मैंने आपको जैसे बताया. और ये एक छोटा बच्चा, मैं आपको दिखाऊं ऐसा कौन है. लुक मेना. ए व्हाट हैपेंड मेना? ए ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ $15 में. और ये सब ब्लैंकेट्स हैं. एयरबर्ड्स, गैलेक्सी बर्ड्स प्रो 2. ओके आई शो यू क्विक. सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हुआ है. और ये $189 जस्ट. आईपैड्स, लैपटॉप ये रखे हुए, सब कुछ है. LEDs भी हैं, इवन मोबाइल फ़ोन्स भी रखे हुए हैं, वॉचेस भी रखी हुई हैं. आगे मैं फर्दर घूमते घूमते आपको मज़ीद दिखाऊंगा. देखें भाई, एप्पल अल्ट्रा $800. वॉच देखें जो पाकिस्तान में लोग, ये देखें ये एप्पल्स की सारी वॉचेस लगी हुई हैं यहाँ पे ना. एक बात है, अगर अमेरिका बंदा आए और अमेरिका आखिर अगर टेक्नोलॉजी यूज़ ना करे तो फिर बेकार है.
और लेडीज के लिए ज्वेलरी लगी हुई है, वॉचेस लगी हुई है लेडीज एंड जेंट्स। बाकी यहाँ पे जीन्स रखी हुई हैं, फर्दर आपको मजीद दिखाई रहा हूँ। और ये कुछ शर्ट्स की हैं, यानी कि कपड़ों से रिलेटेड सारा कुछ है, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं ना। और सिर्फ $19 में देखें, $35 में जीन्स मिल रही है। ये देखें टी शर्ट्स मिल रही हैं, ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट टाइप वाली टी शर्ट, शॉर्ट्स सभी है, मिक्स रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें ये पूरा कॉस्को का व्यू है, आप लोग देखें। संडे आज है और रश देखें, जबकि क्या क्या लेना चाहते हैं आप लोग, जो जो चाहिए सब मिलेगा इधर, क्योंकि ये है कॉस्को। लोकल ब्रांड से लेके इंटरनेशनल ब्रांड तक सारे मौजूद हैं इधर। क्वालिटी देखें, $12 में, $14, $13, अरे भाई इतना सस्ता, क्या बात है। पूमा, नाइकी, बहुत सारे, यानी आपने एप्पल भी देखा, अभी एप्पल भी रखा हुआ है, पूमा भी है, नाइकी भी है, सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, सभी कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। और क्या क्या मजीद ब्रांड्स भी दिखाता हूँ। इवन यहाँ पे खाने पीने का भी सारा मिलता है, ग्रॉसरी मिलता है, बेकरी आइटम्स मिलते हैं, मीट मिलता है, और यानी कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है ना, मैं सब कुछ यहाँ पे, कोई सुई से धागे तक की ना, छोटी सी बात है, सुई से धागे तक का सारा सामान मिलता है। और यहाँ पे लेकिन मेंबरशिप का चक्कर है, देखें पीछे मेंबरशिप, वो मेंबरशिप काउंटर बना हुआ है, वहाँ से पहले मेंबरशिप चार्ज करानी पड़ती है, उसके बाद जब आप मेंबरशिप ले लेते हो, क्योंकि विदाउट मेंबर यहाँ पे मेंबरशिप लेना कंपलसरी है, उसके बिना, मेंबरशिप कार्ड के बिना आप जो है ना शॉपिंग नहीं कर सकते हो। तो उसके वो आई थिंक मेंबरशिप कार्ड जो है वो अप्रॉक्स 128 to $150 समथिंग जो होता है कार्ड बनता है साल का, उसके बाद आप उस कार्ड पे शॉपिंग करते हो, पॉइंट्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, अच्छा सिस्टम है। मजीद दिखाता हूँ, ये देखिए भाई पूमा के सॉक्स मिल रहे हैं, और सिर्फ $15 में, 10 का सेट है ये $15 का, आपके सामने बड़े ज़बरदस्त हैं और सारे पूमा के ही हैं। शूज़ यहाँ शूज़ भी मिलते हैं, लेडीज़ शूज़, जेंट्स शूज़ सब मिलते हैं, और देखें कितना 31 यानी अप्रॉक्स $32 होता है। और ब्रांड्स भी सारे, और ऐसा नहीं है कि लोकल ब्रांड हो, पूमा जैसे ब्रांड हैं, नाइकी जैसे ब्रांड्स हैं, ये क्लो यह मिलते हैं, वो ब्लैंकेट्स मिलते हैं, सभी कुछ ही मिल रहा है, सोफ़ा सेट्स, स्टारबक्स, अगर कोई कॉफ़ी का शदाई है तो उसके लिए स्टारबक्स, जैसे मेरी तरह हूँ, किचन सेट्स मिलते हैं, लैंप्स मिलते हैं, सोफ़ा सेट्स वगैरह आप देखें सब रखे हैं, सब मिलते हैं। ये देखें भाई जूस ग्राइंडर, ग्राइंडर सारे मिल रहे हैं यहाँ पे, सब रखा हुआ है। कॉफ़ी मग ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, आपका भाई ढूंढ रहा है, और ये बॉटल्स रखी हुई हैं फ़िलहाल तो, देखें किसी ने चाहिए हो और वो यहीं रहता हो तो वो आके ले सकता है। मगर मैं ढूंढ रहा हूँ कॉफ़ी मग, ये प्लेन मग है, मैं कॉफ़ी मग ढूंढ रहा हूँ। ग्लासेस भी रखे हुए देखें, फ्राई पैन, क्या बात है भाई, देखा है कभी? न्यूयॉर्क के अलावा, यानी कि जो अमेरिका में बाहर जो रहते हैं उनके अलावा, अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए हैं कि यहाँ सभी मिलता है भाई, जो अपने यहाँ जो है हमें ढूंढना पड़ता है, स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं या मार्ट्स होते हैं, उधर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इतना यहाँ रखा हुआ है। ये देखें हाँ, जैसे कि हमारी बहन कह रही है कि कुत्तों का खाना नहीं है, कुत्तों की वाइब्स। हाँ भाई, यहाँ पे बैठते हैं जो शीट्स हैं उनकी सफाई वगैरह के लिए जो है ना, ये वो यूज़ होता है कि जहाँ वो बैठते हैं उनको साफ़ करो, यहाँ पे इंसानों से तो कुत्तों की कदर की जाती है, क्योंकि जानदार हमारे यहाँ तो बेचारों को मार के भगा दिया जाता है, कोई तमीज़ से बैठने भी नहीं देता उनको एक जगह पे। चेक करेंगे, और अभी मैं मुझे पता चला ये है पामोलिव। ये देखें बर्तन धोने का डिशवॉशर, जो कि सिर्फ $10 का, एक दफ़ा लो
और 2-3 महीने तक छुट्टी। ये देखें जिम इक्विपमेंट भी रखे हैं सामने यार, क्या क्या, ये देखो डाइनिंग टेबल भी रखी है। क्या चाहिए बंदे को, क्या क्या सब मिलेगा भाई यहाँ पर। इतनी चीज़ें कि मैं आपको शायद इतनी चीज़ें दिखा भी ना सकूँ जितके यहाँ पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं। ये सारा सब्ज़ी वगैरह यहाँ रखी है, अभी दिखाता हूँ वो भी मैं आपको। लेकिन चीज़ें इतनी है कि मैं शायद पूरी डेफिनेटली बल्कि शायद क्या मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता अपने कैमरे में, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखो भाई टाइट कपड़े धोने के लिए देखो कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं कि ये एक दफ़ा बंदा ख़रीद ले, और है भी इतने एक्सपेंसिव में $14-15 $10 एक दफ़ा ले ले तो छुट्टी। डिटर्जेंट्स हैं ये कपड़े धोने के, ये भी दिखाता हूँ, ये एक दफ़ा लो उसके बाद लंबी छुट्टी। ये देखें भाई यशा ने रुकवा के स्पेशली बोला गया, यशा बोलती है कि ये लेना है, और 12 पैक है ये, और ओनली फॉर मेरे ख्याल से $16 में लगा हुआ ना, $16। और अब हम आ गए हैं टिश्यू पेपर के सेशन के अंदर, और पूरे भरे पड़े हैं। कौन कौन से चिकित्सा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा टिश्यू यूज़ करने वाला हूँ, टॉयलेट पेपर है सारा। अरे वो देखिए वहाँ बाउंटी के भी रखे हैं, ये बच्चों के डायपर्स वगैरह रखे हैं। हाँ भाई फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पर, और रेट भी देखें सिर्फ $6 में, इतने बड़े बड़े इतना बड़ा पैक है ना। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर कोई लोग देखें तो फिर बड़े महंगे मिलेंगे लेकिन लगेंगे लोगों, लेकिन यहाँ पे सिंगल पीस मिलता है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका भाई तो थक गया चल चल के, इतनी देर से चल रहा हूँ, इतना बड़ा है घूम घूम के थक गया, प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिखा के मैं थक चुका हूँ ऐसे। फिर भी ये है कि सिर्फ वीडियो अपनी कंप्लीट करूँगा, आपको दिखाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको बोला था शुरू में, इसलिए कि चलना पड़ेगा हम चलेंगे। आलू का साइज़ देखें कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आलू का पैकेट रखा हुआ है इन्होंने, जिसको कहते हैं पोटैटो यहाँ पे लिखा हुआ। टमाटर देखें छोटे छोटे से टमाटर 1 बाइट, वो भी टमाटर ये जो दूर नज़र आ रहे हैं ये सारा 1 बाइट है। ऐसा नहीं है कि कच्चे खाने, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद टमाटर, लेकिन क्या है आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बड़े छोटे सब मिलते हैं यहाँ पर। और ये देखें हमारे साथ घूमता हुआ बच्चा, ये हाँ भाई किसको पसंद है, कौन खाएगा, पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी चेक करें। और ये ऐसा नहीं कच्ची नहीं है, ये पकी हुई है भाई, ऐसा नहीं सोचना है कच्ची है। मैं सोच रहा हूँ एक पैकेट इसको ले लिया जाए, खाने में आ जाएगा ये भी। और मुझे क्या पसंद है, पान है हाँ भाई कौन खाता है फ्रूट्स, किसको पसंद है, क्या कहते हैं फिर। हाँ भाई लीची कौन खाएगा जल्दी बताएं, ब्लूबेरीज भी रखी नहीं है, चेरी भी मिल गई भाई यहाँ पे, माशाल्लाह अच्छी और बड़ी बड़ी चेरी है। अंगूर भी रखे हैं बड़े बड़े, क्या बात है। और ये लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी रेड वाली, क्या चाहिए सभी तो मिल रहा है। पिज़्ज़ा में डाल दूँगी भाई, ये देखें हमारे यहाँ लोग छिले हुए लहसुन के लिए परेशान होते हैं, इतना महंगा खरीदते हैं यहाँ पे, ये पूरा इतना बड़ा पैकेट इसका छिले हुए लहसुन का, और सिर्फ $11। और ये शायद घूमते फिरते अपनी मम्मा और पापा को कर रही है मन के तंग, जितना तंग यशा कर सकती है ना आज इसने उतना तंग कर दिया सबको। आप भुट्टा किसको पसंद है भाई, पूरे पूरे पैकेट रखे हुए हैं और सिर्फ $8 $7.5 सॉरी, जिसको भुट्टा पसंद है बताएं भाई। कई सारी ऐसी सब्जियां भी रखी हैं जिसका आपके भाई को बिल्कुल हेल्प नहीं है लेकिन रखी हैं भाई, इतना सामान ले चुकी हैं और मज़ीद अभी लेना बाकी है भाई। मिल्क देखें, मिल्क हमारे यहाँ दूध वाले की दुकान पे तो दूध मिलता है, और यहाँ ऐसे रखे हुए गैलन, और गैलन ही यूज़ किए जाते हैं, और कितने सस्ता है ना, सिर्फ $4 का पड़ा है अप्रॉक्स। बनाना कैसे, यशा को पसंद नहीं है ग्रीन बनाना, यशा के लिए हम दूसरे लेंगे, जबकि बनाना रखे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे।
मीट वीट रखा हुआ है सारा देंगे, लेकिन इधर हलाल नहीं है, ये हलाल का इशू है जिसकी वजह से मुस्लिम इधर हलाल नहीं होता ना मीट। देखें यहाँ पे हर चीज़ का आपको गोश्त यानी मीट से गोश्त जो है ना हर किस्म का मिलेगा, लेकिन क्या है हलाल नहीं है। प्रॉन्स वगैरह अगर कोई खाना पसंद करता है तो यहाँ से प्रॉन्स ले सकता है अपने लिए, जैसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे प्रॉन्स रखे हैं छोटे बड़े यानी कि जंबो साइज प्रॉन्स भी बनते हैं यहाँ पे। और अब ये देखें फिश सैलमन जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार फिश है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से इंडिया में बड़ी एक्सपेंसिव होगी लेकिन होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासी तकनीक बहुत अच्छे पसंद मिल जाती है, सारा सी फूड रखा हुआ है बड़े वाले, लेकिन बहुत ही कोई वैसे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें भाई आपके भाई का फेवरेट जम्बो साइज, वो जम्बो साइज तो ये है। और आपका भाई ढूंढते ढूंढते पहुँच गया क्रोसांट तक जो कि मुझे बहुत पसंद है, सुबह चाय के साथ बड़े खाने में बड़ा मज़ा आता है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आ रहे हैं, क्या बात है भाई। ये देखें भाई सारा यहाँ पे बेकिंग आइटम मिल रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, केक की तरफ भी चलते हैं, देख रहे हैं हलाल नहीं है, दिल बहुत चाह रहा है खाने का लेकिन हलाल नहीं है प्रॉब्लम इज दैट। और ये देखें ये रखते हैं केक वगैरह रखते हैं और ये आइस केक कोशर हैं, ये खा सकते हैं सिर्फ ये हम खा सकते हैं। और ये सर यहाँ पे खड़ी हो गई लेने के लिए, अभी इनके मम्मा पापा बोलेंगे तो लिया जाएगा वरना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि कितना ये जाया करती है और कितना खाती है। देखें भाई यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश तैयार हो रहा है, बिल्कुल ही फ्रेश ताज़ा ताज़ा तैयार हो रहा है, ताज़ी ताज़ी खुशबू आ रही है और बहुत दिल को ऐसा कर रही है कि बंदा पास अभी छोड़े भी ना, लेकिन अफसोस हलाल ना होने की वजह से हम ट्राई नहीं कर सकते। ये चेक करो आप लोग, ओके हम ये ले लेते हैं, क्या बात है यार केक मुँह में देख कर पानी आ रहा है, यकीन मानो देख कर मुँह में पानी आ रहा है, बस क्योंकि चॉकलेट से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वैसे ही भाई के फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, क्या बात है यार। ये सामान ले चुके हैं अच्छा खासा और एग्स भी उठाएं सिर्फ $12 में है और ट्रे देखें कितनी बड़ी बड़ी डबल ट्रे है ये, यानी कि क्या यार क्या बात है कोई एंड है। ये सारा कोशर है, आराम से तो बेहतर है कि बंदा फिर कोशर ही खा ले, तो कोशर फिर भी हम खा सकते हैं लेकिन ये कि जब हलाल अवेलेबल ना हो तब। आइसक्रीम्स रखी हुई हैं, ये रखे हुए हैं फ्रूट्स हैं सी फूड्स यानी क्या सैल्म सी फूड्स रखे हुए हैं, काफ़ी कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, अभी आप भी दिखाता हूँ। प्रॉन्स लिए जा रहे हैं और ये देखें आप लोग अच्छे खासे बड़े बड़े प्रॉन्स हैं जम्बो साइज कह सकते हैं इन्हें, मजीद हम देख रहे हैं कि और कौन कौन से बड़े वाले हैं, ये वाले चेक करते हैं बैठ नीचे आएगा कि ये बड़े हैं छोटे हैं, ये भी सही हैं इतने पास नहीं लग रहे बड़े सही हैं। ये सब बहुत खुश हैं और अपने सामान वगैरह रखा हुआ है सारा, और ये एक छोटा हमारा बच्चा सो गया, सामान तो भरा पड़ा हुआ है ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। आपका भाई आपको दिखा रहा है चीज़ें कितनी सारी रखी हुई यहाँ पे, ओके वीडियो भी बना रहा हूँ और ट्रॉली को भी घुमा रहा हूँ, काफ़ी कुछ हो गया ये देखें। और सब लोग अरे भाई ट्रॉली चलाना बड़ा मुश्किल काम है देखा, आप भी मेरे साथ साथ घूम रहे हैं जैसे मैं आपका भाई और आपको भी घुमाता जा रहा है साथ साथ। भाई ऑलिव्स रखे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक ढूंढ रहा हूँ ब्लैक नहीं मिल रहा है, ब्लैक होते हैं हमारी बहन कह रही है ब्लैक होते हैं लेकिन ब्लैक अभी हमें मिल नहीं रहे हैं। शुगर यहाँ रखी हुई है भाई, शुगर ढूंढ रहे थे हम लोग, ड्राई फ्रूट्स अखरोट की गिरी जो कि बड़ी बेहतरीन है बड़ी पसंद है मुझे। घूम घूम के ट्रॉली में सामान भर के खींच खींच के आपका भाई बहुत थक गया है और हमारी बहन अभी तक नहीं थकी,
बहन हमारी हमें हटा रही है, ले लेके घूमने जा रही है। बेचारे हमारे बहनों ही, क्योंकि मेरे पास कज़न भी होते हैं, वो भी पीछे पीछे, एक ट्रॉली उन्होंने पकड़ी हुई है, एक मैंने पकड़ी हुई है, दोनों घूमे जा रहे हैं। मगर आपको पता है ना, लेडीज़ नहीं थकती, हम थक जाते हैं। या भाइयों, और कुकिंग ऑयल वगैरह ये बड़ा सस्ता है, देखें साहिब भाई का। ये हटो, सामान रखने के बजाय खुद बैठ गई इधर। सारे कोई ट्रॉलीज लोगों की तकरीबन भरी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे सारे गोरे छोरे हों, अपने देसी भी भरपूर हैं, नज़र आ ही रहे हैं देसी आप लोगों को। हम तो चलते फिरते नज़र आ रहे हैं कि लोग उर्दू में बात कर रहे हैं कि ये उठा लो, वो ले लो। सॉल्ट जो है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ लोग पिंक सॉल्ट बहुत खाते हैं, और हम लोग जो है वो, हमें ये हल्का लगता है तो हम ये वाला वाइट सॉल्ट जो है, नॉर्मल जो है कोशर जो है, ये वाला लेते हैं, क्योंकि हलाल हराम का नमक में भी बड़ा फ़र्क चक्कर है भाई। अच्छा भाई, 5 किलो के करीब ये चीनी का पैकेट है, देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, नज़र तो आ रहा होगा। वैसे ब्लैक पेपर ये यहाँ पे मिलते हैं इस तरीके से, सी सारा सी सॉल्ट है ना, पीछे से आ गई आपको बात। पिंक सॉल्ट बंडली में भी रखा हुआ है, सॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से भी रखा हुआ होता है। हाँ, और ये सारा ब्लैक पेपर है। ये लो भाई बेटा, ये तुम ऑलरेडी ले चुकी हो चॉकलेट चिप कुकीज। हमारे साहिब भाई बेचारे परेशान हो गए, देखे सामान ले रहे के, और वहां से यशा उठा उठा के ला के लिए जा रही है, दो ट्रॉलियां भर गई। और कॉस्को की लाइन देखें, काउंटर वहां सामने काउंटर है, और हम यहाँ खड़े हैं इतना। हाँ, सोचा वो सेल्फ है, अभी हमें और घूमना है, लंबी लाइन में लगे हैं भाई, पहुंच ही जाएंगे वहां तक। ऐसा ही है इधर, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जब यहाँ पे सामान लेने से ज़्यादा बिल कराने में वक्त लग जाता है इंसान को। लाइन तक पहुँच गए हैं हम लोग, काउंटर तक, हमारा भी नंबर आ गया, अब होगी यहाँ पे बिलिंग हमारी। और भाई, तो कॉस्को का सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, रेड सी के यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं, आई थिंक एक और जगह जाना है, आई थिंक, लेट्स चेक करते हैं। फिलहाल तो बाहर निकल के मदीद का दिखाता हूँ, यहाँ से पहले काउंटर क्लियर करना पड़ेगा। और बिलिंग टाइम शुरू हो गया है, बिल हो रहा है पीछे, फैमिली खड़े हुए बिल करवा रहे हैं, और यशा को टेंशन हो रही है कुछ चीज़ें, ये साहिब भाई ने इसकी रखी थी, इसने साहिब भाई ने निकाल दी। हाँ भाई, तो इसको टेंशन हो रही है कि, और इसने, मैंने इससे कमिटमेंट किया है कि मैं इसको दिलवा दूंगा, है ना, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि अम्मा और बाबा को तंग करने में कमी करनी है, यानी कि नहीं करना, तो मामू सब दिलवा देंगे, ऐसा ही है, बताओ बस, ऐसा ही है, देख लें भाई। बहुत तेज़ है ये, बहुत शरारती करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है अपने बाबा को ये, बहुत ज़्यादा। ख़त्म भाई, बिल विल हो गया है, जा रहे हैं वापस, और ये देखें मेरे पीछे साहिब भाई और यशा पीछे पीछे आ रहे हैं, बल्कि यशा तो ये रही, यशा दिस इज़ द एग्जिट, और ये मेंबरशिप कार्ड यहाँ से बनता है, और ये एग्जिट है। अब यहाँ पे हमने अपनी स्लिप चेक करानी है, जो हम पे कर चुके हैं सारा, उसमें चेक करना है, आइटम्स चेक करने से, इम्तियाज और चेयर में भी आप लोग ने देखा, उसके बाद हम यहाँ से सीधा अपने साथ निकलेंगे, साहिब भाई रेडी खड़े हैं इसको स्लिप दिखाने के लिए, ये स्टैम्प वगैरह तो नहीं करेगा, बस चेक करेगा, एंट्री देखेगा और हमें जाने देगा भाई। अब आ गए बाहर, इतने मस्त माहौल में से, इतना प्यारा गरम गरम हीटर चल रहा है वहाँ पे, मज़ेदार सा माहौल बना हुआ था। बाहर आते ही हमें मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइन में, हाँ आगे, और मैं और साहिब भाई जा रहे हैं अपनी 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 दोनों एक एक ट्रॉली खींचते हुए अब गाड़ी की तरफ, ताकि गाड़ी में जाके सामान रखें, और यशा और मैना और हमारी बहन गेट पे हमारा वेट करेंगे, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है, देख ही रहे हैं, हवा ज़्यादा है, हाल बुरा हुआ, लोग फुल पैक हुए हैं, हम जो है थोड़ा सा, सबने गाड़ी में जा रहे हैं, कितनी बड़ी जैकेट में दिखते नहीं हैं, चश्कों के चक्कर में मर गए, और पहन कर आ गए ये वाली लेदर जैकेट,
क्योंकि इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं है, फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, इसने हमारी सर्दी में कर दी हालत ख़राब। अब सामान रखते हैं फिर आपसे बाकी गुफ्तगू करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, हाल बुरा हो गया, वो देखें सही भागे भागे पे बैठ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी। सामान ज़्यादा ले लिया, गाड़ी में जगह नहीं हो रही बैठने की यार। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, अभी हम जा रहे हैं घर। कॉस्को का व्लॉग ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट व्लॉग और भी मेरे पास, अगर मैं अभी कहीं गया दिन पड़ा हुआ है तो फिर व्लॉग बनाऊंगा, एक और वीडियो बनेगी। चले तो ख्याल रखें बहुत सारा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।